हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनस रेसिपी। आज हम बेसन और प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी डिश है ये, राजस्थानी डिश है। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाना है। तो आइए प्याज और बेसन की सब्ज़ी बनाना तैयार करते हैं। शुरू करते हैं हम। कढ़ाई गरम कर लिया मैंने, इसमें तेल डालूंगी। तेल को गरम होने देते हैं हम। हमारा तेल गरम हो गई है, अब हम इसमें जीरा और ये सूखी मिर्ची ऐड करेंगे। तेज पत्ता और दालचीनी ऐड करेंगे। सरसों का दाना ऐड करेंगे। साबुत धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन का पेस्ट, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हमने बारीक काट ली है, बहुत ज़्यादा लिया है मैंने क्योंकि ये प्याज और बेसन की सब्जी है। इसको गोल्डन होने तक भुनेंगे हम। प्याज हल्का ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। दो मैंने टमाटो काट ली है बारीक। ये हमने हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, मसाला को पकाएंगे हम पहले। हमारा मसाला पक गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये मैंने दही फेंट लिया है, हमने दही ऐड करेंगे और इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि दही ना फटे। जल्दी जल्दी चलाएंगे हम। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसको उबलने के लिए रखेंगे। आपने सोचा होगा बेसन की सब्जी बोला है, बेसन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो आइए बेसन का तैयार करते हैं हम। जो हम बेसन की सब्जी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम घोल तैयार करते हैं, बैटर, पकौड़े का बैटर बनाएंगे हम। तेल में नहीं बनाएंगे हम उसको। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने बैटर बनाने के लिए बेसन ली है आधा कप, पानी, धनिया पाउडर, जीरा, साबुत जीरा, ये है हमारा अजवाइन, मैंने हाथ से मसल लिया है, नमक। तो आइए इन सब चीज़ों को यहाँ डालते हैं हम। नमक मिलाएंगे हम। अब हम आइए इसको बैटर बनाते हैं। हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है जैसे पकौड़े के लिए तैयार करते हैं ना, तो हम इसको ऐसे तैयार कर लिया हमने। दूसरी तरह हमारा सब्जी पक रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम जो हमने बेसन घोला था उसको हाथ में ऐसे लेंगे जैसे कि हम पकौड़े के लिए डालते हैं,
तो हम ऐसे ऐसे करके हम डालेंगे एक एक करके, ये सब्जी के सब्जी में हम डालेंगे एक एक करके, ये अपने आप पक जाएगा। एक एक करके हम छोटे छोटे बॉल्स बना के हम इसमें डालेंगे। ऐसे करके हम सब सारे डालते जाएंगे। एक एक करके हमने सारे डाल ली है, अब हम इसको पकने देंगे। जब ये पकेगा अपने आप ऊपर तैरेगा ये, तभी हम अभी हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको नहीं चलाएंगे हम, ये पकने के बाद अपने आप ऊपर तैरेगा। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के करीब। हमने इसको कवर कर दिया है। ये देखिए हमारा सब्जी लगभग पक गई है। ये देखिए हमारा बेसन का जो हमने बॉल्स जो डाले थे पकौड़े टाइप की, वो देखिए अपने आप बन गई है, पक गई है। देखिए बिना तेल का भी पकौड़ा बना सकता है, आप मत सोचिए कि तेल ही चाहिए पकौड़े के लिए, आप बॉयल भी ऐसे मसाले लगा के खा सकते हैं। तो आइए इसको पानी ऐड कर देते हम इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। हमने पहले हरी मिर्ची नहीं डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। आपने अगर हरी मिर्ची अगर मिला लिया हो, पहले ही डाल लिया हो, तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीखा खाते हैं तो डाल लीजिए ज़्यादा ही, अगर कम खाते तो कम भी डाल सकते हैं। हमारा बेसन का सब्जी बन गया है। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, इससे ग्रेवी भी कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, रखते ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा बेसन और प्याज की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप भी बनाइए खाइए, ये राजस्थानी डिश है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी बनाइए खाइए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।